औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम अलैकुम कैंसेरियन, क्या हाल है? मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत बांटने वाले लोग, कूल ठंडे मीठे लोग, आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अजमलीन आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा लेके आए। 30 सितंबर से लेके 5 सितंबर के दरमियान, 30 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। स्टार्ट आपका बहुत अच्छा शुरू हो रहा है और स्टार्ट आपके 12वें घर से, और वहाँ पे केतु और राहु और मून बैठे हैं। राहु को 12वें घर में आपके जेमिनी में पॉजिटिव बैठा है, फिर भी हम देखते हैं कि क्या करेंगे। अब इसका जो 12वें घर का मरकरी इस वक्त आपके 4थे घर में वीनस के साथ लिब्रा में, तो क्या होने जाएगी, क्या हम करेंगे। आप अपनी मर्जी फैमिली मेंबर्स पर थोपेंगे, नहीं ये करें ये करें ये करें, ठीक है। तमाम हालात व वाक़यात आपकी मर्ज़ी से चलेंगे, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई और किसी को। अच्छा, तो सो कैंसेरियन, ये जो हफ्ते का स्टार्ट है ना, ये आपका थोड़ा सा टफ तो नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी मनमानियाँ अपनी मर्ज़ी से बचना होगा। और दूसरा ना, आपका ना एक चीज़ याद रखिएगा कि वो लोग जो दूसरी शादी के चक्कर में हैं और जिसके उसको वो उस चक्कर में शादी करने में कामयाब हो जाएंगे, उसकी फैमिली मान जाएगी, हालांकि वो पहले भी शादीशुदा है, लेकिन मोहब्बत की शादी को फैमिली का हिस्सा बना लेंगे। वो लोग जो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं या जिनकी इन पाइप लाइन है, तो उनको गो हेड मिल जाएगा और वो अब वो भी शादी करके अपनी पहली फैमिली के साथ ही बनाने का उनको चांस मिलेगा। अब हम चलते हैं 1 और 2 सितंबर को। यहाँ पे आपका यानी कि पहले का लॉर्ड पहले और मून बैठा है और आपके सेंडेंट में बैठा है, मौजा करो, क्या बात है। यहाँ पे तो आप खुशी खुश एंजॉय करें, और यानी कह लें कि उस दिन आप बड़ा हर काम सोच समझ के अपनी बनाई हुई हकीमत अमली ज़ाती फैसलों पे काम करेंगे। आपका जो भी डिसीजन होगा आपका होगा, आपकी हर बात मानी जाएगी। अमली तौर पे आप बहुत काम करने हैं, ख़ुद मैदान जंग में कूदने के लिए तैयार होंगे। आप टीम में नहीं होंगे होते भी, बल्कि सब पर अपनी अक्ल और शख्सियत से रोब डालने पर यकीन रखेंगे। तो क्या फाल मौजा आ गई हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा आप कह दें कि आपका मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप अपनी सेहत पे काम करते हैं, अपनी सोचों पे काम करते आ रहे हैं, अपने आप पे काम करते नज़र आ रहे हैं। थिंकिंग प्रोसेस आपका बहुत अच्छा होगा, मेंटल कैपेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होगी, किसी किस्म की कन्फ्यूजन या किसी किस्म की इंपल्सिवनेस पेशेंट्स टू बन नहीं होंगे। हेल्थ बहुत अच्छी होगी, प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होगा, अपने प्रोफेशन अपने बिजनेस की तरफ बहुत मेहनत करेंगे। यानी कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने चैन की बंसी बजाई हुई है। मासवाय मैं अभी थोड़ा सा बीच में छोड़ गया था, मासवाय जो आपका 30-31 है उस पे आपने थोड़ा सा करना, क्योंकि वहाँ राहु बैठा है, तो राहु आपको थोड़ा सा तंग करेगा आपको। अच्छा, वो लोग जो चमड़े का कारोबार करते हैं, सिगटों का कारोबार करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, या तेज़ शार्प सिंह का, वो बड़े कामयाब होंगे, हथियारों का काम तो उनके लिए बहुत बेहतरी है। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने अपने आप को दूर रखना है इलीगल एक्टिविटी से। यहाँ पे आपका कोई ना कोई स्कैंडल बन सकता है, आपका कोई ना कोई वीडियो बना सकता है, आपका कोई ना कोई वो हिडन अफेयर्स में ब्राय मेहरबानी आप अच्छा आप ना चाहते हुए भी जाने की कोशिश करें कि नहीं यार मैं आज डेट मारनी जो मर्ज़ी हो जाए, तो प्लीज़ थोड़ा सा हाथ तौला रखना, आपने लिमिट क्रॉस नहीं करनी, आपने कोई किसी किस्म की नहीं करनी, धोखादही नहीं करनी। यहाँ पे आप खुद धोखा देते नज़र आ रहे हैं, धोखा खाते नज़र नहीं आ रहे, धोखा देते भी नज़र आ रहे हैं, और जब धोखा देते हैं ना तो वापस घूम के शफाक अहमद के वो आपकी तरफ आता है। लिहाजा यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा कंपोज करके रखिएगा, एडवांटेजेस होंगे। 12वां घर
एक्सपेंडिचर फिर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बहुत होंगे आपके, पता नहीं होगा कि खुदा ना करे, खुदा ना करे आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पे पैसे लग जाएंगे, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, आपका फ्रिज जल जाता है, फ्रिज नहीं लानी पड़ेगी, एसी जल जाएगा तो वो, यानी इस किस्म के अननेसेसरी अखराजात आपको बहुत तंग करेंगे, जिससे आप काफ़ी अपने आप को करेंगे। तो जो वीकेंड है 3, 4, 5, ये दूसरे घर में मून है और दूसरे का लॉर्ड तीसरे घर में। पहले तो हम ये देखें, अब कैंसेरियन अच्छी बातें आने का टाइम होने का आने लगा है। जब भी दूसरे का लॉर्ड तीसरे घर में जाता है तो क्या होगा, ये हम देखते हैं। ये मेरे रिसर्च नोट है जिस पे मैं लोगों के साथ डिस्कशन कर करके तो हमने ये निकालने चीज़ें। अच्छा, जब भी दूसरे का लॉर्ड तीसरे घर में जाते तो आप इलम हासिल करने की राहें खुद तलाश करेंगे, या मैंने पढ़ना, मैंने कोई स्पेशल कोर्स करना है, कोई ना कोई कुछ इस तरह करेंगे, और अपनी मेहनत से आप अपने आप को मशहूर करेंगे। आप बचपन ही से आप अपने, अगर आप छोटे हैं कैंसेरियन तो तालीम और सीखने के और मकसद याद के लिए आपके पेरेंट्स आप पे बहुत काम करेंगे। आप कोई ना कोई नई चीज़ सीखेंगे, कोई यहाँ पे कोई मकाला पढ़ेंगे या कोई प्रेजेंटेशन देंगे या कोई रिसर्च वर्क करेंगे, कोई नई चीज़ सीखेंगे। यहाँ पे आपके वालदैन आपके लिए नेमत साबित होंगे, मीडिया, साइंस, टीचिंग, रिसर्च, मशीन, कंसल्टेंट, ये बहुत दिलचस्पी लेंगे। बहुत छोटे बहन भाइयों और नौकरों पर बहुत शफकत करेंगे, अपना कमाया हुआ पैसा खर्च करेंगे और जवानी में सफ़र करना का ख्वाहिश जाएगी। घूमना फिरना, दूसरे शहर में जाकर खाना खाने, गाने, मौज मस्ती करना, ये आपके इन 3 दिनों में बहुत होगा। अब यहाँ पे क्योंकि मून लियो में है तो बड़े बांसवर के रहेंगे, बड़ा एक्टिव होंगे, बाल शाल बनाएंगे, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, छोटे छोटे सफ़र होंगे, सैर सपाटे पर मुझे तो जाते नज़र आते हैं, वो भी अपने बहन भाइयों के साथ, और वहाँ पे पिकनिक मनाते भी नज़र आएंगे। कुछ ना कुछ यहाँ पे बेहतरी ज़रूर होगी। अच्छा, जिनकी एजुकेशन मिडिल एजुकेशन उनको भी वहाँ पे बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे। यहाँ पे वैसे जब पहले बता दिया है तो वो साफिज रात बहुत अच्छा बोलेंगे, मार्केटिंग के लोग कमाल का अपना शिकार ढूंढेंगे और वहाँ से फ़ायदा उठाएँगे। ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस में भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा और आपको कुछ ना कुछ बेहतर होगा। तो या आप कह लें कि बहन भाइयों के साथ इंट्रैक्शन, सैर सपाटा या कुछ ना कुछ या ये पड़ेगा, और चलो बड़ी बहन की तरफ चलते हैं, गाड़ी निकाली उधर चल गए, अच्छा वापसी पे ना वो दूसरे भाई की तरफ चलते हैं, वापसी पे जी उधर होते जाएंगे। इस तरह ये 3 दिन आपका वीकेंड इनके साथ इंट्रैक्शन करते हुए, खाने खाते हुए, मौजें करते हुए, और प्लस पॉइंट इनका ये होगा कि आपके लिए एंड जो होगा ना हफ्ते का, सुकून का होगा और नींद बहुत आएगी और मज़े से सोएंगे। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।